नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूट 24 पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जी हां, खबर है उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। अखिल भारतीय किसान यूनियन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय के सामने दिया गया धरना। जी हां, कई मांगों को लेकर ये धरना दिया गया, जिसमें मुख्यतः है बिजली, पानी और पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ किया गया ये धरना प्रदर्शन, जहाँ सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने भारतीय किसान यूनियन के किसान मौजूद रहे। कई सारी मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें मुख्यतः है बिजली, पानी और पुलिस उत्पीड़न। फिरोजाबाद से ऋषि पंडित की रिपोर्ट। दरअसल में हमारे जो भारत सरकार से जिन मुद्दों पर लड़ाई चल रही है, वो एक बड़ा मुद्दा है। फिरोजाबाद जिला कहीं ना कहीं सुस्त चल रहा था, यहाँ का जो मूवमेंट था वो कमजोर था। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन पूरे देश में चल रहा है, वो मुद्दा आज हम लोगों ने प्रभावी तरीके से उठाया है। दूसरा, स्थानीय जो समस्याएं हैं उनका समाधान जिला प्रशासन द्वारा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर पदाधिकारी कार्यकर्ता आए दिन मिलते हैं, मुलाकात करते हैं, बात करते हैं, मीठी गोली दे दी जाती है। आज हम लोगों ने तय किया था कि बड़ी संख्या में एक प्रदर्शन करेंगे, पंचायत करेंगे। यहाँ सैकड़ों गाड़ियों के साथ आज किसान पहुँचे हैं। सवाल ये है कि आखिर प्रशासन को हो क्या गया है। कई सरकारें हमने देखी, पहले भाजपा की भी सरकार देखी जिसमें राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे। अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी कहीं कमेंट करता था, 10 बिंदुओं का अगर ज्ञापन दिया जाता था, तो उसमें से कम 5-7 बिंदु तो हमारी अगले महीने की बैठक होने से पहले पहले निपटा दिए जाते थे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अब तो ऐसा लगता है प्रदेश के हालात कि अधिकारी कर्मचारी नौकर कम, सरकार के एजेंट ज़्यादा हो गए। सरकार के अधिकारी ऐसे काम करते हैं जैसे नेताओं ने जो कह दिया सत्ता पक्ष के ने, भाई लास्ट है तमाम लोगों के साथ। यहाँ जिनके खिलाफ कभी एक मुकदमा नहीं रहा, अगर वो प्रशासनिक अधिकारियों के रडार पर आ गए, अगर उन्होंने उनके उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई, तो तमाम लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट तक के मुकदमे लिखे गए। ये सब खराब चीजें हैं भाई। अगर आदमी को संविधान ये अधिकार देता है कि अगर कोई उत्पीड़न कर रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है, कोई लूट कर रहा है अधिकारी जिले में रह करके, उसके खिलाफ आवाज उठाई जाए, तो उसे ऐसे दबाने का क्या मतलब है भाई। आज किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे इकट्ठा हुए? यहाँ कई मुद्दे ऐसे हैं, बिजली के संकट से किसान जूझ रहे हैं, थाना फरियाद सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पे समस्याओं की वजह से अगर कोतवाल को पैसा दे दे मोटा, तो समस्या का एक मिनट में समाधान। पैसा न दिया जाए तो हजारों लोग भटकते रहे, कोई दिक्कत नहीं। फर्जी मुकदमे लिखवा दिए जाए, लोगों के असली मुकदमे नहीं लिखे जाते। बम्बा रजवाओं में पानी नहीं आ रहा टेल तक, तमाम रजवा सूखे पड़े हैं। गेहूँ क्रय केंद्र में बड़ा घोटाला हुआ है फिरोजाबाद जिले में। कई अखबारों ने, चैनलों ने उस खबर को भी चलाया एक दो बार, लेकिन वो सब दब गई, क्योंकि वो भ्रष्टाचार बड़े स्तर पर है, वो पैसा फिर वापस में बट गया। तो सवाल ये है कि ये कब तक दबता रहेगा, ये कब तक बटता रहेगा। अगर लोग यहाँ से ऐसे नहीं मानेंगे, तो अखिल भारतीय किसान यूनियन सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ेगी और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कराने का काम करेंगे। हम समय समय पर सड़कों पर भी लड़ेंगे और आज जरूरत पड़ेगी तो अदालत में भी लड़ेंगे। सर, किसान यूनियन कई भागों में बट गया, ऐसे किसानों कैसे भला हो पाएगा? सवाल यह है कि अखिल भारतीय किसान यूनियन अपने आप में देश का एक बड़ा संगठन है। भाग होना एक अलग बात है, समान विचारधारा के लोग, अगर एक परिवार में 5 बेटे हैं एक पिता के, और वो दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, सूरत नौकरी करने चले जाते हैं, जरूरत पड़ने पर एक साथ उसी एक मकान में आ जाते हैं, तो ये दृश्य पूरे हिंदुस्तान के 500 किसान संगठनों ने भी दिखा दिया कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम एक साथ रहेंगे। और वो अलग बात है कि हम लोग फिर अपने अपने संगठन के रूप में अलग हैं, गठबंधन के रूप में एक हैं, जरूरत पड़ेगी सब एक रहेंगे। बाकी कुछ लोग हैं भी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ लोग ऐसे भी हैं भाई, एक पिता के 5 पुत्र, एक नालायक है, शराबी, नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी है, उसे यही पता नहीं कि बाप के खिलाफ क्या कह रहा है, भाई के खिलाफ क्या कह रहा है, चाचा के खिलाफ क्या कह रहा है, तो उसकी बात को सुनने का कोई अर्थ नहीं है। जितने लोग इकट्ठे हैं वही लोग लड़ेंगे, जो झुक गए, बिक गए, डिग गए, वो जाने, उनका काम जाने। ठीक।